हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे पुस्तकालय विज्ञान के जो थर्ड ईयर का सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम रेगुलर जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो लेक्चर्स जारी करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड ईयर की बात करने से पहले हम जो सेकेंड ईयर में जो हमने पढ़ा था पुस्तकालय विज्ञान में क्या क्या जो था सिलेबस में उसके ऊपर थोड़ा हम ब्रीफ में बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में जो पहले जो दो पेपर थे उनमें से जो पहला पेपर था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की का था, जिसमें जो सूचना तकनीकी है उसमें जो उसके जो बेसिक्स जो हैं उसके जो मूल आधार हैं उनके बारे में हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर को देखा था। सबसे हमने पहले कंप्यूटर की जो इतिहास है, उसकी जो पीढ़ियां हैं, उसका जो विकास कैसे हुआ, उसकी परिभाषाएं और जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम था उसके बारे में हमने देखा था। और जो सेकेंड यूनिट थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर थी, जो विंडोज को जो चलाते हैं सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र्स, और इसके साथ ही जो विंडोज़ के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनके ऊपर हमने बात की थी सेकेंड यूनिट में। जो थर्ड यूनिट है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की थी, जिसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जो छोटी बातें थी, जो बेसिक्स थे, उसकी परिभाषाएँ थी, उसका एक शॉर्ट रूप हमने देखा था। हाँ, इस प्रकार की तीसरी यूनिट थी। और जो चौथी यूनिट थी वो डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में थी। तो जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बाद में जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात आती है, तो डिजिटल लाइब्रेरी की परिभाषा, उसकी जो नीड्स क्या है, वर्तमान जो समय है इसमें उसकी कितनी आवश्यकता है, उसका कितना उपयोग है, उसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। और कैसे कैसे वो फंक्शन होती है, उसमें क्या क्या उसकी जो स्ट्रक्चर है डिजिटल लाइब्रेरी का, उसके जो बेसिक आवश्यकताएं क्या होती है और कैसे वो सर्कुलेट होती है, इसके बारे में हमने देखा था। और जो पांचवी यूनिट थी वो यूनिट थी डाटाबेस मैनेजमेंट। अब जो क्योंकि पुस्तकालय में जो प्रलेख होते हैं वो पुस्तकालय का डाटाबेसिस होता है, अब उसको ही कंप्यूटराइज माध्यम में ले लेते हैं, डिजिटाइज रूप में ले लेते हैं, तो उसको डाटाबेसिस बोलते हैं, अदरवाइज संग्रह बोलते हैं पुस्तकालय के जो प्रलेख होते हैं उनको, और डिजिटाइज रूप में लेने पर उसको डाटाबेसिस बोलते हैं। तो किस प्रकार डिजिटल जो लाइब्रेरी होती है या जो लाइब्रेरी में जो प्रलेख होते हैं उनको डिजिटाइज किया जाता है, किन किन विधियों से किया जाता है, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, कैसे उनका बैकअप लिया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार पहला पेपर हमने सेकेंड ईयर का देखा था। जो तो दूसरा पेपर था वो प्रलेखन एवं संदर्भ सेवा का था, जिसमें सबसे पहले हमने प्रलेखन को देखा था, उसकी परिभाषा देखी थी, प्रलेखन के बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। उसके बाद में जो सेकंड पेपर जो यूनिट थी वो थी सूचना सेवा। तो सूचना सेवा वही बात है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पुस्तकालय से किसी यूज़र्स को, पाठक को दे रहे हो, तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने सूचना सेवा की का इतिहास, परिभाषाएं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके उद्देश्य हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग को पढ़ा था। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का मतलब विभिन्न विषयों की जो पत्रिकाएं होती है किताबों के अलावा, तो उन पत्रिकाओं को पुस्तकालय में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, और व्यवस्थित करने के बाद में उनको किस प्रकार कम समय में, कम श्रम में उनको प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार हमने इंडेक्सिंग सर्विस पढ़ी थी, अनुक्रमणीकरण सेवाएं। इसके अलावा हमने चौथी यूनिट में रेफरेंस सर्विस पढ़ी थी, जिसे हम संदर्भ सेवा कहते हैं। तो पुस्तकालय के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवाएं हैं, पाठकों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सेवाएं, उसको संदर्भ सेवा कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पूरी उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा था, कितने प्रकार की होती है, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, और किस प्रकार पुस्तकालय में उनको लागू किया जाता है, और पुस्तकालय के विकास में उन संदर्भ सेवाओं का क्या क्या योगदान होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और जो अंतिम यूनिट थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रलेखन केंद्र हैं उनके बारे में अध्ययन था। जो अब प्रलेखन केंद्र की बात करें, तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो,
जो सूचना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो संस्थान काम करते हैं उनको प्रलेखन केंद्र कहते हैं। उनके पास उस संबंधित विषय के विभिन्न प्रलेख होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, विदेशों से प्राप्त प्रलेख भी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, उस देश के पर्टिकुलर देश के भी होते हैं। तो जो प्रलेखन केंद्र है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन प्रलेखन केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान पर पहुंचाना, चाहे वो जिला हो, चाहे राज्य हो और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हो। तो उन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो डाटा कलेक्शन होता है वो प्रलेखन केंद्र होता है। और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो नवीनतम सूचनाओं, पुरानी तो है ही है, नवीनतम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना और उनका कलेक्शन करना, ये काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रलेखन केंद्र। इस प्रकार हमने दोनों पेपर पढ़े थे। अब हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में जो दो पेपर है, जिसमें जो पहला पेपर है वो है पुस्तकालय ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। अब ऑटोमेशन को तो हमने सेकेंड ईयर में थोड़ा सा जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ा था। अब हम जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है उसको थोड़ा लार्ज स्केल पर देखेंगे, जिसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन की परिभाषा, उसके जो एडवांटेज है, उसके स्कोप हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन करते हो, क्योंकि एक पूरे युग का परिवर्तन होता है पुस्तकालय में। क्योंकि फिर जैसे कोई पुस्तकालय, सामान्य जो मैनुअल पुस्तकालय है, जो ट्रेडिशनल पुस्तकालय जहाँ पर प्रलेख है, उनको कंप्यूटराइज कर रहे हो वहाँ पर सेवाएं, तो वो वहाँ का एक युगांतकारी परिवर्तन है। उसके बाद में कभी वापस वो जो ऑटोमेटेड सर्विस है वो वापस प्रलेखीय सर्विस में नहीं होगी, वो ऑटोमेटेड ही रहेगी। तो आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आप मानव संबंधित क्या प्रॉब्लम आती है, आपके वित्त के संबंधित क्या प्रॉब्लम आती है, आपको साधन के संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार लाइब्रेरी का ऑपरेशन, जो विभिन्न जो सेक्शंस होते हैं लाइब्रेरी के, जो 7 सेक्शन हैं होते हैं, उनका किस किस प्रकार ऑपरेशन, कैसे कैसे वो काम करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा पहले यूनिट में करेंगे। दूसरी यूनिट होगी अपनी नेटवर्किंग की। अब नेटवर्किंग हमने सुना ही है, जैसे लैन वैन मैन, जो सूचना को इंफॉर्मेशन जो स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाने का जो काम करते हैं नेटवर्किंग सिस्टम, उनको लैन वैन और मैन में परिभाषित किया गया है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एवं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा हम नेटवर्किंग यूनिट में एक नेटवर्किंग टॉपोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें जो नेट एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है तो किन किन विधियों से जुड़ा होता है, जिसमें रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एवं जो स्टार टोपोलॉजी होती है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो तीसरी यूनिट है वो है इंटरनेट बेसिक्स, जिसमें इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्तमान, जो इस तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति मान के चलो कि यूज़ कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कैसे कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर पूरी यूनिट है। किस प्रकार इंटरनेट चलता है, किस प्रकार ब्राउज़र काम करते हैं, किस प्रकार सर्च इंजन काम करते हैं, इंटरनेट के लिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये पूरी जो सूचनाएं हम इंटरनेट के इस यूनिट में हम देखेंगे। इसके अलावा बार कोड टेक्नोलॉजी, हम बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान होते हैं, चाहे वो औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, बैंक हो या फिर कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, वहाँ पर बार कोडिंग की व्यवस्थाएं होती है। एक स्कैनर होता है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को कुछ ही सेकंड के कुछ भाग में ही प्राप्त कर लिया जाता है, तो मतलब मानव श्रम कम हो जाता है और संपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। तो यही स्थिति पुस्तकालय में, क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तकों का और प्रलेखों का आदान प्रदान करते हैं पाठकों के साथ में, तो जो लिखित रूप से काम करते हैं, मैन्युअली काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी वो श्रम साध्य होता है। तो उस श्रम को कम करने के लिए पुस्तकालय में बार कोड टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें पुस्तकों पर टैग लगा दिए जाते हैं और टैग के आधार पर उनको स्कैन करके पुस्तकों का जो आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एक RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इस तकनीक का और उपयोग किया जाता है, तो उसको भी हम इस यूनिट में हम अध्ययन
करेंगे, और जिसकी जो अंतिम यूनिट है वो है डिजिटल लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बाद हम बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरीज की। डिजिटल लाइब्रेरी का यही बात है कि पाठक जिसको हम यूज़र बोलते हैं, पुस्तकालय कर्मचारी जिसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, वो सभी जो अपने काम है वो डिजिटल लेवल पर करें, डिजिटल रूप में करें, कंप्यूटर पे करें। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सिर्फ जो लाइब्रेरी के काम हैं, जो पाठक के नहीं लाइब्रेरी के जो काम हैं वो सब ऑटोमेटेड होते हैं, और कर्मचारी का जो काम है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। जबकि डिजिटल लाइब्रेरी में यूज़र्स हैं वो भी जो डॉक्यूमेंट है उनको डिजिटल रूप में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके या फिर और कोई भी तकनीकी का यूज़ करके। तो डिजिटल लाइब्रेरी के जो बातें हैं, उनके जो परिभाषाएँ, उनके उद्देश्य वगैरह जितने भी, और कुछ उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी के जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आते हैं वो किस प्रकार डिजिटल लाइब्रेरी मैनुअल लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी में हम आते हैं तो किस प्रकार उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो कुछ दो तीन सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस प्रकार अपना ये जो थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग, इसको हम पढ़ेंगे। और जो सेकंड पेपर है, थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। बहुत ही अच्छा पेपर है रिसर्च। एक्चुअली ये जो पेपर है ये मास्टर डिग्री में होता है विभिन्न सब्जेक्ट्स में, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान में इस पेपर को अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में डाला गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को बोलते हैं अनुसंधान प्रविधि। अब जितना भी पुस्तकालय देखो आप, कोई भी जो संस्थान है जहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो, डिजिटल फॉर्मेट में हो, या फिर प्रलय की फॉर्मेट में हो, आज उनके ऊपर जो ज्ञान है वो किसी न किसी रूप में अनुसंधान के रूप में ही, तथ्यों के ऊपर आधारित होकर ही, फैक्चुअल रूप में ही अपने को प्राप्त होता है। तो आज जो इतना जो विश्व डेवलप्ड है, जो इतना विकास हो रहा है, इतने जो साइंस के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, मानव विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जितने भी आज विकास हो रहे हैं, आज हम इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आज मानव का क्लोन, विभिन्न पेड़ों, पशु पक्षियों सभी का क्लोन, ये सब जो बातें हैं ये सभी अनुसंधान के थ्रू गुजर कर ही ये आज हम स्थिति में पहुँचे हैं। तो अनुसंधान कैसे होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और अनुसंधान की जो प्रक्रियाएं क्या है, उनके ऊपर हम पूरा ये पेपर है जिसमें हम यूनिट वाइज बात करेंगे। तो जो पहली यूनिट है इसमें जो रिसर्च की क्या डेफिनेशन है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी नीड मतलब आवश्यकता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, और क्या प्रोसेस के क्या क्या रिसर्च के क्या क्या प्रोसेस हैं, और टाइप ऑफ रिसर्च, इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरी यूनिट्स हैं वो है रिसर्च मेथड्स, अनुसंधान की विधियाँ। अब अनुसंधान की विधियाँ जिसमें वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करना, ऐतिहासिक अनुसंधान एवं वर्णनात्मक अनुसंधान, तीन प्रकार के अनुसंधान के हम ऊपर बात करेंगे। जो जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला के अंतर्गत होता है, नियंत्रित कंडीशंस में होता है, वो साइंटिफिक रिसर्च कहलाता है। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, कोई भी ऐतिहासिक घटना के को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो, और उसके ऊपर हम जब चर्चा करते हैं उसके ऊपर हम तथ्यों पर आधारित बात करते हैं और कोई नया रिजल्ट सामने आता है, तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है। और जो तीसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसमें कोई भी सामाजिक समस्या है, वर्तमान जो समय की समस्या है, उनके ऊपर हम विभिन्न तथ्यों के आधार पर एनालिसिस करके नवीनतम जो समस्या है उसका समाधान करते हैं, उनको हम जो डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक जो भारत में जिनको कहते हैं रंगनाथन महोदय, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उन्होंने भी कुछ साइंटिफिक विधियाँ दी है अनुसंधान की, तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रिसर्च कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे सैम्पलिंग ली जाती है, आप कैसे जो अनुसंधान करने से पहले उस विषय के बारे में पढ़ते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं, लिटरेचर को रीडिंग करते हैं, वो किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट है वो है रिसर्च तकनीक, मतलब अनुसंधान तकनीक, रिसर्च टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स और उसके उपकरण। अब जब रिसर्च करते हैं हम, जैसे कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं,
जैसे हम पुस्तकालय विज्ञान की बात करें कि राजसमंद जिले की विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठकों के वर्तमान रुझान, इसके ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो राजसमंद जिले के जो विभिन्न पुस्तकालय हैं वहाँ पर जो पाठक यूज़ कर रहे हैं उन किताबों को, प्रलेखों को, तो उनके बारे में अपने को सर्वेक्षण करना पड़ता है। उनसे प्रत्येक व्यक्ति से विभिन्न तौर तरीकों से जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके आधार पर हम उन तथ्यों के आधार पर, उन डाटाओं के कलेक्शन के आधार पर हम नवीनतम किसी बात पर पहुँचते हैं। तो जो रिसर्च टेक्निक्स एंड टूल्स हैं इनमें सर्वे, केस स्टडी, प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट, ये विभिन्न तरीके हैं अनुसंधान करने के। आप जब अनुसंधान करते हो तो किन किन प्रक्रियाओं का यूज़ करते हो, तो इन प्रक्रियाओं के बारे में हम, उनके जो उपकरण हैं उनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। जो चौथी यूनिट है वो रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का मतलब जो अनुसंधान होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। उस प्रक्रिया में आप जो डाटा कलेक्शन करते हैं विभिन्न सर्वेक्षण के आधार पर या किसी भी आधार पर डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उनका किस प्रकार से उनको क्लासिफाई करेंगे, उनको किस प्रकार से टेबुलेशन करेंगे, उसको विवरणात्मक रूप से या फिर जो सारणी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उनको कैसे टेबुलाइजेशन करेंगे, और उनका कलेक्शन, उनका विश्लेषण करना और उनको रिप्रेजेंट करना, और उसके अलावा उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे उनको विभिन्न जो ग्राफ है और विभिन्न तौर तरीके हैं जिनके आधार पर उनका उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उन सब का हम उपयोग करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब आपने विभिन्न डाटा कलेक्शन किया, उनमें से अब वास्तविक जो आप जिस काम के लिए डाटा कलेक्शन किया है वो आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए विभिन्न माध्य और माध्यिका और बहुलक का उपयोग करके उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और एक लेवल पर पहुंचा जाता है कि जो हमने डाटा का कलेक्शन किया इसका रिजल्ट ये निकला। तो जो केंद्रीय रिजल्ट, जो केंद्रीय परीक्षण जो करते हैं उसका जो केंद्रीय माप निकलता है, उसकी कुछ विधियाँ हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो इसके अलावा अंतिम जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स। मतलब जो बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब, बिब्लियो मतलब ग्रंथ और मैट्रिक्स मतलब सारणी, तो जो सारणी या उनका सांख्यिकी रो, तो जो भी रिसर्च होते हैं, अब रिसर्च एक नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति रिसर्च करता है, अलग अलग संस्थान रिसर्च करते हैं, तो उन रिसर्च का सांख्यिकी एनालिसिस। अब जैसे मैं रिसर्च किया, मैं रिसर्च करता हूँ और मेरे बाद कोई और रिसर्च करता है मेरे विषय के ऊपर या उसके इर्द गिर्द, तो वो मेरे जो मैंने रिसर्च किया उसको उसमें कितना यूज़ करता है, मेरे रिसर्च को वो उसके उद्धरण में लेता कि नहीं लेता, तो इसकी एक सांख्यिकीय गणना की जाती है कि आपने जो रिसर्च किए उनका सांख्यिकी एनालिसिस करना। तो उसके आधार पर विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों को हम इस जो एनालिसिस है, सांख्यिकीय विश्लेषण, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इस प्रकार अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा।